नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एच 24 न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं हूं अभी मधुबनी जिला के पंडोल प्रखंड अंतर्गत बिठवार ठाकुर टोल में, और यहां पर एक मिडिल स्कूल के मैदान में क्रिप्स हॉस्पिटल के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया है। मैं आपको बता दूं, इस मेडिकल कैंप में किसी भी तरह का फी नहीं लिया जा रहा है। कुछ ग्रामीण लोग से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुफ्त इलाज में क्या इन लोगों से किसी भी तरह का फी लिया जा रहा है या मुफ्त में इलाज कराया जा रहा है, ये सारी जानकारी इन लोगों से हम प्राप्त करेंगे। जी, आप अपना नाम बताएंगे। मैं मनोज कुमार चौधरी, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेता हूं, और यह सौभाग्य है जो बहुत दिनों के बाद मैं तो अपने क्रिप्स के जितने भी पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जो पंडोल प्रखंड के अंतर्गत उदयपुर बिठवार पंचायत अवस्थित ठाकुर टोला के माने मिडिल स्कूल के प्रांगण में जो मिडिल सेंटर पड़ता है, वहाँ उन लोगों ने स्थान भी जो चुना है सो बहुत ही जनता के हित में अच्छा स्थान चुना, और उस जगह पर इर्द गिर्द के बरहगोरिया, बिठवार, नाहर, ठाकुर टोल, गढ़िया, खतवे टोल, मुसलमान टोल इत्यादि जगहों के सभी जगहों के लोग जो पीड़ित लोग हैं, जो बाहर जा कर के इलाज कराते तो केवल डॉक्टर का ही फीस 500,000 रुपया ले लेते। लेकिन यह सौभाग्य है जो मैं क्रिप्स के सभी डॉक्टर्स एंड स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं और व्यवस्थापक को भी बधाई देना चाहता हूं। आप फिलहाल यहां पे किस काम से आए हैं? हम उसी काम से आए हैं यहां पर, चूंकि पूर्व से सूचना था कि यहां कैंप लगेगा, और आप लोग अगल बगल के लोगों को कहें, और सभी टोला के लोगों को मैंने जानकारी दिया है जो आप लोग यहां पर पहुंचे और अपना इलाज करावें, और उसी माध्यम से लोग यहां पर आए हैं। सभी लोगों का इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब आ गए, स्टाफ लोग लगे हुए हैं, लोग अपना नाम लिखाते हैं, नाम के बाद टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तब इनका इलाज होता है। जी सर, आप अपना नाम बताएंगे। जी, डॉक्टर आमिर हुसैन, क्रिप्स। जी, क्रिप्स हॉस्पिटल में मेडिसिन तो का कंसल्टेंट। आप बताएंगे यहाँ पे जो है किन किन जो है सो दुखों का इलाज आप करते हैं अभी? देखिए, कैंप में जो है, कैंप में रेगुलर जो भी परेशानियाँ लेकर के पेशेंट आते हैं उनको देखते हैं, और हॉस्पिटल में हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। सीटी है, एमआरआई है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, इको है, जिस भी तरह की जाँच की है सब एक ही छत के नीचे होता है, और सारे विभाग के वहाँ डॉक्टर अलग अलग हैं। जैसे यहाँ हम लोग एक स्त्री रोग के विशेषज्ञ आई हैं, ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, मैं मेडिसिन का हूँ, और बाकी जो टीम है अभी हॉस्पिटल में वो बाकी पेशेंट को देख रही है। तो कितना फी अभी लग रहा है यहाँ का? तो फीस हम लोग का फ्री कैंप है ये हेल्थ चेकअप, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में फीस मात्र 100 रुपया है सुबह के 10 बजे तक। कोई भी पेशेंट सुबह के 10 बजे तक आता है, हम सिर्फ 100 रुपये चार्ज करते हैं, चाहे किसी भी डॉक्टर को उनको दिखाना हो। अभी यहाँ क्या दवा भी दे रहे हैं? नहीं, दवाई का नहीं है, हम लोग यहाँ शुगर जांच कर रहे हैं, बीपी जांच कर रहे हैं, किसी को अगर रिकमेंडेड है ईसीजी तो वो करेंगे, बाकी हमारा परामर्श निशुल्क है, और दवाइयाँ हम लिख रहे हैं जो कि यहाँ मिल जाए वैसी दवाई लिख रहे हैं। आपके टीम के कुल कितने डॉक्टर अभी यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हुए हैं? सीनियर कंसल्टेंट आए हैं। मेरा नाम शारदानंद झा है जी, मैं ठाकुर टोल के ही निवासी हूँ, और ये चीज़ 2-3 रोज से चल रहा था जो यहाँ पर फ्री सेवा होने वाला है, इसीलिए मैं दिखलाने के लिए। क्या चीज़ आप दिखाए हैं? मुझे डांड में प्रॉब्लम है, वही दिखलाने के लिए। जांच हुआ है? जांच नहीं हुआ है अभी। अच्छा, लाइन में लगे हुए हैं? हाँ, लाइन में लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे यहाँ जो है सो शुगर का जांच हो रहा है, उसकी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और मैं उनसे भी बात करता हूँ। क्या चीज़ का जाँच हो रहा है अभी? ये यहाँ पे RBS डायबिटीज़ का जाँच हो रहा है। टोटल कितना जाँच हो चुका है अभी यहाँ पे? 150 लोगों का हो चुका है, बाकी अभी तो हो ही रहा है। तो कितने बजे तक ये जो है सो आपका जो है कैंप लगा रहेगा आज? लोग रहेंगे, वैसे तो 2 बजे तक का टाइम है, लेकिन रहेगा जो जब तक पेशेंट रहेंगे तब तक हम लोग हैं, 3 बजे तक। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शुगर का जांच जो है सो 150 करीब हो चुका है, अभी दिन का 1 बजा है, और यहाँ पे अभी काम जारी है, और यहाँ पे कुछ लोग और हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, आप अपना नाम बताएंगे। अजीत कुमार। यहाँ पे आप दिखाने के लिए हैं? जी हाँ, दिखाने के लिए। क्या चीज़ का? हम शुगर जांच करवाने हैं और ब्लड। क्या फी भी लगा कुछ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं लगा? क्या मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है? हाँ, फ्री हो रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है इस तरह की अगर इलाज गांव में अगर हो कैंप लगा के तो बहुत सारे गरीब को मदद मिलेगी? मदद मिलेगा, बहुत मदद मिलेगा। इसमें क्या कहना है आपको, आपका क्या कहना है? काम हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। स्त्री रोग विशेषज्ञ भी आए हुए हैं डॉक्टर साहब, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? डॉक्टर पुष्पम। ये कैंप आज आप लोग का कितने बजे तक जारी रहेगा? अब जब तक मरीज आते रहेंगे तब तक तो उम्मीद है। कितने मरीज का आप लोग जो है अभी तक चेकअप किए हैं? अभी तक तो मैंने लगभग 7 या 8 मरीज देखा है। देखे हैं, तो इसमें क्या कोई किसी भी तरह का फी भी लगता है? यहाँ अधिकतर मरीजों में मेन है कि थोड़ा सा खान पान का जो टाइमिंग गड़बड़ है, उस वजह से थोड़ा पेट के प्रॉब्लम ज़्यादा है, कमर दर्द है, कुछ बचनानी निकाले हुए मरीज हैं तो उनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इनको अवेयरनेस थोड़ा कम है तो उसकी वजह से परेशानियां हैं।
तो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ गांव में ही रह जा रहे हैं। कई सालों से ऑपरेशन हो चुका है, फिर भी उसके बाद फॉलोअप में यूजुअली लोग, हम लोग चाहते हैं कि फॉलोअप में पेशेंट आए ताकि उनका कोई परेशानी हो तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। यहाँ थोड़ा इन लोगों के हिसाब से थोड़ा दूर पड़ जाता है, कहीं भी नज़दीकी कुछ स्वास्थ्य केंद्र रहने से इन लोगों को थोड़ी सुविधा होगी। तो इसीलिए हम अपने हिसाब से चाह रहे हैं कि जो भी इनको जो परेशानी हो हम अपने तरफ से जो दूर कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी तरह का तो फी नहीं लगता होगा ये? नहीं नहीं नहीं, फीस क्यों लगेगा, तो हम यहाँ मुफ्त सेवा देने के लिए आए, इसमें फीस क्यों लगेगा? तो जिस हिसाब से मुफ्त सेवा है उस हिसाब से जो है सो यहाँ पे महिला लोग कम तादाद में लग रहा है। अभी उनको पता नहीं था कि यहाँ महिला डॉक्टर के लिए, वैसे थोड़ा बहुत पता था कि हाँ आ रही हैं, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छे से ध्यान में नहीं था, तो लेकिन धीरे धीरे आ रही है, जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है। मतलब स्त्री का जितने भी रोग होता है सभी प्रॉब्लम को आपके यहाँ इलाज हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अपने तरफ से जितनी भी जो भी समस्या लेके आएंगी तो उसका सारा का उपचार होगा। तो आप देख रहे थे व्यूज 24 न्यूज़, मैं अब्दुल कुदूस आपके साथ।